बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोर जितना अब खूबसूरत है कहीं ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया, उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसकून रहते थे, बहुत ही लजीजा मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया, और वो अनाज गंदम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हम कितनी खूबसूरती से इस्लामिक वाक़यात की वीडियो बना सकते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में यही सिखाऊंगी कि हम किस तरह से इस्लामी वाक़यात की वीडियो बना सकते हैं और बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और वाकई सवाब का सवाब है कि हम किसी को इस्लामी वाक़यात बताएं, इस्लामिक अहदीस बताएं, तो हमें बहुत सवाब मिलेगा और साथ में हमें हमारे रिज़क में भी इजाफ़ा होगा जब हम इस्लामी वाक़यात वाली इस तरह से वीडियोज़ बनाएँगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इस्लामी वाक़यात वाली वीडियो बनाएंगे। तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है ताकि आप भी इस्लामी वाक़यात वाली वीडियोज़ बना सकें, अपने व्यूज़ बढ़ा सकें, सब्सक्राइबर बढ़ा सकें, अर्निंग कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे Q4 ये देखें Q4 कोर्ट्स जो आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इस वाली साइट पे क्लिक कर देते हैं जो सबसे ऊपर आ रही है। देखिए, इस्लामिक कोर्ट्स इन उर्दू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इस्लामी वाक़यात हैं। एक कफन चोर का जी वाक़या, जन्नत और जहन्नम कैसी होगी, और आप इनमें से ही लेके उनसे इस्लामी वाक़यात अहदीस अपने चैनल पर लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। अब जी यहाँ पे देखें, वाक़यात पे हम क्लिक कर देते हैं। देखें, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ देखें, कौमी सभा पर अल्लाह का अजाब, हिंदू औरत का सूरह फातिहा पर यकीन, हज़रत ईसा और लालची शागिर्द का वाक़या। ठीक है जी, हाथी वालों का किस्सा यहाँ से। तो जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, हमारे पास देखें इस्लामी वाक़यात आते जाएंगे। ये वाला जो था, मोर को जाने से क्यों निकाला, तो ये वाली मैं आपको स्टार्ट में दिखा रही थी। और देखें, जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल करता है हम सुनते ही चले जाएं इन इस्लामी वाक़यात को, क्योंकि हमें बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। मेरा यकीन करें कि जब मैं गाड़ी में जा रही होती हूँ तो मैं सिर्फ इस्लामी वाक़यात ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है। और देखें, ये है कि आमद के रोज़ फरिश्तों को कैसे मौत आएगी, और हमारे जो है वो नॉलेज में भी इजाफा होता है। बहुत सारी है, आपको नहीं बातें बताऊँगी, हमें इस्लामी वाक़यात पढ़ के सुन के पता चलता है। और मैं कहती हूँ सुनने का ज़्यादा होता है, अच्छा लगता है सुनने का। तो आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। तो आप, मैं ये तभी कह रही हूँ कि आप इस्लामी वाक़यात वाली वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि आप इसमें को सवाब भी मिले। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किस पर हम क्लिक करें, मैं आपको कौन सी वीडियो बताऊँ। यहाँ से हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे, तो ये वाली जो है थी, मोर को जन्नत से क्यों निकाला, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखें, इस पर 63 व्यूज़ आए हुए हैं, और हमने यहाँ तक देखें आपको बता दी थी, सुनाई थी। और आगे हम देखते हैं इसका, यहाँ से मैं बता देती हूँ आपको। इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया और इस तरह से हम इसको कर देते हैं। यहाँ तक आके और यहाँ तक आके, ठीक है जी। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन जब हम इस्लामी वाक़यात सुनते हैं ना, तो कुछ और सुनने को बिल्कुल दिल नहीं करता। मैं तो गाड़ी में भी सिर्फ इस्लामी वाक़यात की ही जो है वो वीडियोस लगा के सुनती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम ये वाला है नोट्स पर जाती हैं, और यहाँ से हम न्यू नोट्स पर गए, और यहाँ पर हम
उसको पेस्ट कर देते हैं। चूँकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था। ठीक है जी, ये हमने टॉपिक इतना ले लिया है क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ। इसके दो पैरे हमने पहले ले लिए थे और ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है इसका। अब आता है कि उसकी हमने कहाँ से पिक्चर लेनी है, वीडियो लेनी है, और वो भी विदाउट कॉपीराइट, कि उसमें ज़रा सा भी कॉपीराइट का ना इशू आए। तो विदाउट वाटरमार्क एंड कॉपीराइट जो है हम लेते हैं, हम पिक्सल्स को यूज़ करते हैं और पिक्सा बे को यूज़ करते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं, इनमें से हम किसी से भी ले सकते हैं फ्री में विदाउट कॉपीराइट वीडियोस इमेजेस। तो यहाँ से हम वीडियो वाला कर देते हैं और यहाँ पे हम पीकॉक लिख देते हैं। पीकॉक पे क्लिक कर दिया और इस, ठीक है जी, तो ये हमारे पास पीकॉक की वीडियो आ चुकी हैं। हमने इस पे क्लिक कर देते हैं। हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। इस तरीके से आप कोई भी वीडियो बना रहे होंगे तो आप यहाँ से उसकी जो है वीडियो भी ले सकते हैं, इमेजेस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम HD में ले लेते हैं, ST में ले सकते हैं, किसी में भी ले लें। डाउनलोड सेलेक्ट साइज़ पे क्लिक किया और यहाँ पे जो कॉपी का आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, ये वाला जो है हम इस पर, ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं कॉपी की क्या, और ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम कॉपी पे क्लिक करते हैं तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो चलें आगे देखते हैं। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और अब हम यहाँ से अपने काइन मास्टर को ओपन करते हैं। हम काइन मास्टर पर गए और अब हम इसका थर्ड पैराग्राफ बनाते हैं। आप वहाँ से कोई भी जौनसी इस्लामी वाक्या लेकर इसी तरीके से इन दो साइड से लेके कोई वीडियो ले लें और उसके ऊपर लगा दें तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपकी वीडियो बनेगी। हम यहाँ से बैक जाते हैं और एक बिल्कुल न्यू पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, क्रिएट पे गए, हमने यहाँ से 16:9 का रेशो सेलेक्ट किया था और यहाँ से हमने अपना काइन मास्टर को ओपन कर लिया था और यहाँ से जो अभी हमने वीडियो जो है वो डाउनलोड की है ये वाली है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ले आए हैं। चलें हम इसको यहाँ पर ले आए, माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हमने जो वहाँ पे नोट्स में कॉपी किया था उसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं। हम नोट्स में जाएंगे, ये हमने नोट्स को ओपन कर लिया और इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल कॉपी, और यहाँ पर हम आ गए काइन मास्टर में। यहाँ से हम लेयर पर जाएंगे, लेयर्स में जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस पर हम थोड़ी सी होल्ड डाउन रखते हैं तो ये देखें हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि आप वहाँ से इसको सेट करके ही लेकर आएँ, तो अगर आप यहाँ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरीके से हमने इसको कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया और ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर कॉपी होकर आ चुका है। फिर हम इसकी लेंथ को उतना ही बढ़ा देते हैं जितनी ये है और इसको हम यहाँ से डबल कर देते हैं। हमने 3 डॉट पे क्लिक किया, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और इसको हम बढ़ा के इतना कर देते हैं क्योंकि इतनी जल्दी हम ये नहीं पढ़ पाएंगे। और यहाँ पर हम कोई ट्रांजेक्शन लगा देते हैं, ट्रांजिशन लगा देते हैं इफेक्ट। इस पर हमने देखें क्लिक किया यहाँ पे सेंटर में, मैं आपको बताती जाती हूँ कि हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मैंने इसके स्टोर रूम से लिए हुए हैं। तो हम यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट लगा देते हैं, जैसे ये लगा देते हैं या इस तरीके से। चलें जी, ये हमने लगा दिया इफेक्ट और उसके बाद
हम इसके जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं, कलर वाइट है। हम इसके ब्लेंडिंग मोड में नहीं आएंगे, आउटलाइन पर आए और इसको हमने ब्लैक कर दिया, या हम इस पर रेड अप्लाई कर देते हैं और इसकी यहाँ से विथ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है जी। और इसके साइज़ को यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जो की आ रही है हमने उस पर क्लिक किया और प्लस पे लगा दिया, ठीक है। और इसकी लेंथ को हम यहाँ तक जाएंगे और हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ तक करते हैं। और इसको हम की पर दोबारा गए, प्लस पे क्लिक कर दिया और इसकी उसको हमने इस तरह से कर दिया ऊपर की तरफ उंगली के वजह से, ठीक है। इस तरह से हम जब इसको प्ले करेंगे तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और साथ में हम इसके आडियो भी चलाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम इसकी थोड़ी सी लेंथ कम कर देते हैं, इतना कर देते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं और इसकी लेंथ को हम कम कर देते हैं। चाहिए होगी तो हम मज़ीद देख लेंगे। फिर इस पर क्लिक किया और यहाँ से इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक हो गया, इतना हम कर देते हैं इसको। अब हम इस पर ऑडियो अप्लाई करेंगे, पहले हम इसकी वॉइस ओवर कर देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम वॉइस करेंगे। इसको प्ले करते हैं। चूँकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हव्वा को भी जन्नत से निकाल दे, ठीक हो गया जी। और इस तरीके से आपकी जो है वॉइस इस पर आ जाएगी। अब वॉइस कैसे थी कि आप रिकॉर्डिंग पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है ये स्टार्ट हो जाएगी। जब हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, इस पर स्टार्ट पे हमने क्लिक करेंगे तो ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इसमें फिर वो डबल वॉइस आती है और सही से नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट बता रही हूँ। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ तो वो नहीं सही वॉइस ओवर होती, क्योंकि दो माइक चल रहे हैं और नहीं चल पाएगा। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको अगर, इसलिए मैंने आपको जस्ट वैसे बताया था कि दो माइक चल रहे हैं और नहीं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो बहरहाल आपको मैंने बताया कि इस तरीके से आपकी यहाँ पे वॉइस ओवर हो जाएगी। उसके बाद जी आपने यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर म्यूज़िक भी लगाना है इस्लामिक, तो वो यहाँ से हम ले लेते हैं। हमने यहाँ से फोल्डर में जाएंगे, डाउनलोड पर जाएंगे और यहाँ से हम इस्लामिक जो था, इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक था, यहाँ देखें 5 इस्लामिक बैकग्राउंड तो ये हमारे पास इस्लामी बैकग्राउंड म्यूज़िक आ चुका है, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो एरो आ रहा है, ये वाला एरो का साइन आ रहा है, ये वाला एरो का साइन, ठीक है। इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद जो हम यहाँ से अपने जो सिनेमा आ रहा है ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो आपकी वीडियो है वो यहाँ पे सेव होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, सेव एज वीडियो पे हमने क्लिक किया तो आपकी जो ये वीडियो बनाई है आपने, ये सेव हो जाएगी और आपकी गैलरी में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सारी वीडियो किस तरीके से बनी है और किस तरीके से हमने इमेजेस ली हैं, वीडियोज़ ली हैं और किस तरह से हम वॉइस ओवर करेंगे और कितनी खूबसूरती से आपका इस्लामी वाक़यात वाली वीडियो बन जाएगी। तो ये देखें आप, यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन भी आ रही है, शेयर की भी आ रही है और प्ले की भी आ रही है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो इस्लामी वाक़यात की किस कैसी लगी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।